जब भी क्रिकेट में मॉडर्न टाइम ग्रेट्स की बात होती है तो वहां पर आपको फैब फोर का नाम दिखाई देता है, जिसमें विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन शामिल हैं। अब विराट कोहली के साथ में बाबर आजम का कंपैरिजन भी कई बार हुआ है और ये बात कई बार हुई है कि फैब फोर में बाबर आजम का नाम शामिल होना चाहिए। लेकिन अब विराट कोहली के साथ खेलने वाले खिलाड़ी ने बाबर आजम को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम में पूरी काबिलियत है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के ही नहीं बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर एक खिलाड़ी बन सकते हैं। क्या है ये खबर, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और खबर विभाग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये जो बयान आया है ये आया है विराट कोहली के साथ खेलने वाले खिलाड़ी दिनेश कार्तिक की तरफ से। अब दिनेश कार्तिक IPL में RCB की तरफ से खेल रहे हैं, विराट के साथ खेलते हैं और टीम इंडिया में भी दोनों खिलाड़ी साथ खेलते हैं। बाबर आजम को लेकर के दिनेश कार्तिक ने क्या कहा है डिटेल में आपको बताता हूँ। जब दिनेश कार्तिक से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है बाबर आजम वर्ल्ड के नंबर एक खिलाड़ी हो सकते हैं, दिनेश कार्तिक ने कहा 100% वो वर्ल्ड के नंबर एक खिलाड़ी बन सकते हैं। अभी कुछ टेस्ट मैचेस भी बाकी हैं जो अभी आने वाले हैं, जिसमें बाबर आजम को खेलना है और वो एक हाई क्वालिटी प्लेयर है। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि बाबर आजम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन उनका अलग अलग बैटिंग पोजीशंस पर बैटिंग करने के बाद आया है। इसके बाद बाबर आजम को फैब फोर में शामिल करने के ऊपर दिनेश कार्तिक से सवाल किया गया तो दिनेश कार्तिक ने कहा कि मौजूदा फैब फोर जो है अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बाबर आजम के पास पूरी कैपेबिलिटी है कि उस फैब फोर को वो फैब फाइव में कन्वर्ट कर लें और उसमें शामिल हो जाएं। तो दिनेश कार्तिक ने फैब फोर में बाबर आजम को शामिल करने के ऊपर क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वाकई आपको लगता है क्या बाबर आजम फैब फोर में शामिल हो सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा।